देश में बुलडोजर राज थोपने के खिलाफ माले चलाएंगी महीने भर का अभियान। भाकपा माले सीतामढ़ी ने मनाया मजदूर दिवस। भाकपा माले सीतामढ़ी ने आज बड़े धूमधाम से मनाया मजदूर दिवस। इस अवसर पर सीतामढ़ी के महसौल स्थित भाकपा माले जिला कार्यालय में पार्टी का झंडोत्तोलन पार्टी के जिला सचिव सह इंसाफ मंच के प्रदेश उपाध्यक्ष नियाज अहमद सिद्दीकी के हाथों किया गया। झंडोत्तोलन के समय मजदूर क्रांति के शहीदों को याद करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। तत्पश्चात सभा को संबोधित करते हुए पार्टी जिला सचिव नियाज अहमद सिद्दीकी ने कहा कि साम्राज्यवाद के खिलाफ मजदूर वर्ग की बड़ी लंबी लड़ाई के बाद मजदूरों ने जीत हासिल की है और मजदूरों के खून से सना लाल परचम लहराया जाएगा और तब जाकर 8 घंटे ड्यूटी और वेतन सहित बहुत से मजदूर परीक्षाएं कानूनी बना पक्षीय कानून बना। आज फिर से मजदूर वर्ग के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और विशेषकर भारत में हमले बढ़े हैं और जब से भाजपा की सरकार आई है लगातार हमले तेज हुए हैं। सभी मजदूर पक्षीय कानून समाप्त किए जा रहे हैं और लगातार मजदूर विरोधी कानून लाए जा रहे हैं, इसलिए देश में फिर से मजदूर क्रांति की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि भाकपा माले केंद्रीय कमेटी के आह्वान पर देश भर में अतिक्रमण हटाने के बहाने मेहनतकश गरीबों के घरों, ठेलों, दुकानों आदि पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। इसके खिलाफ भाकपा माले आज 1 मई से 31 मई तक पूरे राज्य में अभियान चलाएगी। मजदूर दिवस के कार्यक्रम में भी इस विषय को प्रमुखता से उठाया गया। गरीबों के घर बार पर नहीं चलेगा बुलडोजर, भारत के भाईचारे पर नहीं चलेगा बुलडोजर और भारत के संविधान पर नहीं चलेगा बुलडोजर, इन 3 नारों के साथ आज पूरे महीने अभियान चलेगा। श्री सिद्दीकी ने कहा कि पूरे देश में भाजपा की सरकारें और नगर निगम चुन चुनकर मुसलमानों और मेहनतकश गरीबों को बांग्लादेशी और दंगाई बताकर उन पर खास निशाना साध रही है। अभी कुछ दिन पहले भाजपा कोटे के भू राजस्व मंत्री राम सूरत राय ने भी इसी प्रकार का बयान दिया था। उन्होंने अपने बयान में कहा था कि बिहार में भी बुलडोजर राज की जरूरत है। हम भाजपाइयों से कह देना चाहते हैं कि बिहार में वह ऐसा सपना देखना बंद कर दे। उनकी किसी भी प्रकार की संविधान विरोधी कार्यवाही की बिहार की जनता जोरदार जवाब देने को तैयार है। उस कार्यक्रम में राकेश कुमार विद्यार्थी, मोहम्मद नूरैन, मोहम्मद मुश्ताक सरवर, अहमद हुसैन, मोहम्मद हामिद हुसैन, अहमदी खातून, मोहम्मद मुबारक हुसैन इत्यादि सहित दर्जनों लोग शामिल थे। कानूनी संघ न्यूज के लिए सीतामढ़ी से संवाददाता राजीव रंजन की रिपोर्ट। साथियों, आज 1 मई है और 1 मई पूरे दुनिया के इतिहास में आज के दिन को मजदूर दिवस के नाम पर जाना जाता है, मई दिवस के नाम पर जाना जाता है। आज ही के दिन पूरे दुनिया के अंदर साम्राज्यवादी व्यवस्था के खिलाफ, मजदूरों के साथ हो रहे जुल्म अत्याचार के खिलाफ लड़ाई हुई थी और मजदूरों को इससे पहले मजदूरों की ड्यूटी का कोई समय सीमा नहीं होता था और उनके वेतन का भी कोई फिक्स नहीं होता था, जिसके खिलाफ पूरा दुनिया के मजदूरों ने एक होकर के लड़ाई लड़ा। और आज ही के दिन अमेरिका के शिकागो में वहां के मजदूरों और वहां की सेना के बीच खूनी संघर्ष हुआ, खूनी लड़ाई हुई जिसमें हजारों मजदूर शहीद हुए और आखिरकार मजदूरों की जीत हुई और मजदूरों ने अपने खून से सना अपना कपड़ा निकालकर अपने जीत का परचम फहराया। और इस तरह से इसलिए मजदूरों का निशान लाल निशान होता है, ये लाल निशान कोई लाल रंग नहीं है, ये मजदूरों के खून से सना हुआ ये लाल निशान है। तो आज उसके बाद, उस लड़ाई के बाद मजदूरों की जीत हुई और दुनिया के अंदर ये फैसला हुआ, ये कानून बना कि आज से मजदूर जहां भी मजदूर काम करेंगे उनको 8 घंटा उनकी ड्यूटी होगी और उनका वेतन भी तय होगा।